जिला महिला अस्पताल में पहुंचते ही अब किसी को इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जिला महिला अस्पताल में अब मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए इंद्रधनुषी रंगीन डायरेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें इलाज और जांच में सहूलियत मिलेगी, जिसके संबंध में जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक एनके श्रीवास्तव ने बताया कि मरीजों की समस्याओं को देखते हुए महिला अस्पताल में रंगीन पट्टिका बनवाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अब मरीजों को इलाज और विभिन्न प्रकार की जाँच के लिए वार्डों तक जाने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि अब मरीजों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इंद्रधनुषी रंगीन पट्टी का मरीजों व तीमारदारों को संबंधित इलाज के कक्ष में पहुंचने में कारगर साबित होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक एन के श्रीवास्तव ने कहा, इमरजेंसी जाने का रास्ता, पैथोलॉजी जाने का रास्ता चलता था, मतलब इसी पट्टी को पहाड़ते हुए चला जाएगा, तो उस वार्ड में चला जाएगा, किसी से कुछ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे मरीज को बहुत सर ये कलर कोडिंग है, लाइनें जो बनाई गई हैं ये डिफरेंट कलर्स की हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को दर्शाती हैं। बहुत से मरीजों को ये नहीं मालूम है, किसी को आउटडोर में जाना है मरीज दिखाना है, किसी को पैथोलॉजी में जांच के लिए जाना है, किसी का पेशेंट हमारे लेबर रूम में भर्ती है या ऑपरेशन थिएटर में पहुँचना है, तो उसमें एक पर्टिकुलर कलर दे दिया गया है और उस पर तीर के निशान लगा दिए गए हैं कि ये कलर उस एरिया को दर्शाता है, तो इसमें किसी व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा। उसने जैसे आउटडोर में मरीज दिखाने जाना है या दवा वितरण काउंटर पे जाना है या पैथोलॉजी में जांच हेतु जाना है, तो उसके सहारे वो पट्टी को देखते हुए वो वहीं पे जाके ख़त्म हो जाएगी।
उस पर निशान बने हुए तीर के, और वहाँ पे पहुँच के वो पर्टिकुलर जगह पे वो बगैर भटके हुए पहुँच जाए, तो उसे भटकना नहीं पड़ेगा कि लाइव में जांच कराने जाना है कि अल्ट्रासाउंड कराने जाना है, तो इधर उधर पूछना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। सर कौन से कलर पे कौन से विभाग? इसमें तो कई विभाग हैं, और इस समय तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर किसको दिया गया है, हर कलर के ऊपर किस जगह जा रही है वो, ये उस पर लिखा हुआ है। सर कितने मरीज आ जाते हैं? हमारे यहाँ योरे 400 प्लस में रहते हैं 24 घंटे में, 350-400 के आसपास ओपीडी हो जाती है, और 50 के आसपास हमारी इमरजेंसी में आ जाते हैं 2 बजे के बाद। इतनी तेज धूप हो रही है, बाकी क्या कहना चाहेंगे बाकी जी? मौसम को देखते हुए इतनी तेज धूप रही, क्या कहना चाहेंगे? धूप तो नेचुरली गर्मी पड़ रही है, उसके लिए भी हम लोगों ने अपने यहाँ प्रॉपर पानी पीने के इंतजाम आरो हमारे सभी कार्यरत हैं, और हम तो धूप में बचाव के लिए कहेंगे कि सीधे धूप से अपने आप को लोग बचाएं।